लगता है मात भटक गया हूँ। अरे अभी तक नहीं आए, न जाने कहाँ होंगे इस समय। मैया आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी बाबा तो अपना कर्तव्य ही पूर्ण करने गए हैं, और आप तो कहती हैं कि जो अपना कर्तव्य पूर्ण पूरे हृदय से करता है उसकी चिंता तो स्वयं भी हरि ही करते हैं। देखना मैया, बाबा को कुछ भी नहीं होगा। मैया अब चिंता करना छोड़ो और अब श्री हरि को स्मरण करो। हाँ पुत्र, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। संकट देखकर एक बार तो मैं घबरा गई थी, ये तो अब समझ में आ रहा है कि ये उचित नहीं है। चलो हम घर चलकर हम सब साथ मिलकर श्री हरि से प्रार्थना करेंगे। श्री हरि हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। किंतु कान्हा, सबसे पहले तो मुझे वचन दे, तो वृंदावन से बाहर नहीं जाएगा। मैं वचन देता हूँ मैया। हे हरि, अब तुम्हारे यास है, तुम ही आर्य और बाकी वृंदावन वासियों को वृंदावन वापस ले आ सकते हो। ईश्वर, सबको सकुशल घर पहुंचा दो। चलो पुत्रों, अब हम घर आ गए। कान्हा, बलराम, तुम लोग वृंदावन वासियों के लिए चिंता मत करना, आर्य गए हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, और हमारे ईश्वर हमारे साथ हैं। चलो हम प्रार्थना करते हैं।